आज हमारी प्रार्थना है परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप वो परमेश्वर हो जो निष्फलता से सफलता की ओर ले जाने वाले परमेश्वर हो। आज आप हमसे बात करिए, आपका वचन भेजकर आज हमें निष्फलताओं से सफलताओं की ओर ले जाइए, विजयवंत बनाए परमेश्वर। निष्फलताओं के समय में हमें क्या करना है हमें सिखाए प्रभु। अगर हम गिर गए हमें उठाए, निराश से नई आशा से भर दीजिए। कमजोर हो चुके नया बल प्रदान करिए परमेश्वर। परमेश्वर हम प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम में, जितने भी लोग आज इस वचन को सुने उनके जीवन में जो भी निष्फलताओं का दौर चल रहा हो, यीशु मसीह के नाम में वो दौर खत्म हो और यीशु मसीह के नाम में सफलता वो अपने जीवन में देखने पाए। सफलता का समय, सफलता की आशीष वो अपने जीवन में देख पाए। हमारी ये दुआ यीशु मसीह के नाम से आप कबूल करिए प्यारे पिता। आमेन आमेन। बहुत ही शॉर्ट में मैं रिवीजन करके आगे बढ़ूंगा। हमने कुछ संडे पहले सीखा था, जीसस विल टर्न योर फेलियर इनटू सक्सेस। प्रभु यीशु आपकी निष्फलताओं को सफलता में बदल देंगे। अगर विश्वास करते हो तो ऊंची आवाज में कहे आमेन हालेलुया। प्यारो हमने सीखा था निष्फलता अंत नहीं है, हमारे जीवन के सफर का निष्फलता वो आखिरी डेस्टिनेशन, आखिरी पड़ाव, आखिरी मुकाम नहीं है, वो सिर्फ एक स्टेशन है, वो चला जाएगा। प्यारो आखिरी पड़ाव, आखिरी मुकाम तो सफलता है। आमेन। प्यारो हो सकता है हम अभ्यास में, करियर में, जॉब में या शादी में, पारिवारिक जीवन में, हेल्थ को लेकर, बिजनेस में या और कोई बात में निष्फल जाते होंगे प्यारो, या तो निष्फलताओं से होकर हम गुजरते हो रहे होंगे। लेकिन प्यारो हमें आज जो विषय पर हम सीख रहे हैं, हमें ये विश्वास रखना है हमारा परमेश्वर हमें निष्फलताओं से सफलता की ओर ले जाने वाला परमेश्वर है। प्यारो ये बहुत महत्वपूर्ण है। लास्ट टाइम हमने सीखा था कि निष्फलताओं के समय में एज ए बिलीवर, एज ए विश्वासी हम क्या करते हैं और क्या नहीं करते। हमने सीखा था कि हम निष्फलताओं को कैसे टैकल करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, उसको कैसे लेते हैं, कैसे निपटते हैं, कैसे हैंडल करते हैं। प्यारो उस समय में जब हम निष्फलताओं से होकर गुजरते होते हम क्या करते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। प्यारो हमने सीखा था एक ब्रिलियंट लड़के के विषय में जिसने विदेश में, अमेरिका में अच्छी नौकरी पाई, मद्रास आईआईटी का स्टूडेंट था, सब कुछ उसके पास था, 5 रूम का लग्जरी घर था प्यारो, अच्छी जॉब थी, वाइफ थी, बच्चे थे, लेकिन उसने सुसाइड किए। और हमने सीखा था कि जब कैलिफोर्निया की जो इंस्टीट्यूट है उसने सर्वे किया, उस रिसर्च किया कि क्यों उसने सुसाइड की, सब कुछ होने के बावजूद, तब उन्होंने पाया वो लड़का सिर्फ सफलता को चखने के लिए ही, सफलता को देखने के लिए ही डिजाइन था। उसे निष्फलता को कैसे हैंडल करना है, टैकल करना है, उससे कैसे निपटना है वो नहीं आता था। सिर्फ सफलता देखना ही उसके जीवन का मकसद था, सिर्फ वो सफलताओं को देखना जानता था, लेकिन निष्फलता से कैसे लड़ना है वो उसे नहीं आता था। और इसी कारण जब उसकी जॉब चली गई और वो निष्फल हुआ, उसने आत्महत्या कर ली। प्यारो इसीलिए महत्वपूर्ण है प्यारो, हम सफलताओं में जरूर आनंद करें, लेकिन निष्फलताओं के समय में निष्फलता से कैसे लड़ना है, निपटना है, वो एज ए बिलीवर, विश्वासी हमें सीखना चाहिए। प्यारो हमने मूसा के जीवन से सीखा था प्यारो, प्रभु ने मूसा को पसंद किया, निर्गमन उसका 4th अध्याय और उसकी 27 आयत से 6th अध्याय और 30वीं आयत तक हमने देखा था कि मूसा के जीवन में बहुत सारी निष्फलता आई। प्रभु ने उसे चुना, प्रभु ने उसे प्रॉमिस की, मैं तेरे द्वारा इज़राइल लोगों को बचाऊंगा, छुड़ाऊंगा, और प्रभु ने लाठी के द्वारा अद्भुत चमत्कार करके प्रूव किया कि मैं तेरे साथ हूं। और वो उत्साह में था और जबरदस्त उत्साह के साथ वो परमेश्वर के लोगों के पास गया मिस्र देश में। लेकिन
जब उसने प्रयत्न शुरू किए अपने लोगों को छुड़ाने के लिए, वो निष्फल रहा। उसे ऐसा था कि भाई प्रभु मेरे साथ है और ये चमत्कार मैं दिखाऊंगा, राजा मान जाएगा, लोगों को वहां से लेकर मैं निकल जाऊंगा। ये सफलता की आशा शायद उसने रखी होगी, लेकिन उससे उल्टा हुआ। राजा ने उसकी बात तो नहीं मानी, उल्टा राजा ने इजरायली लोगों पर जो काम का बोझ था वो और बढ़ा दिया। पहले कच्चा माल उनको दिया जाता था, लेकिन वो भी बंद कर दिया। ईंटों को उतना ही बनाना है वो ही संख्या में, लेकिन अब कच्चा माल भी उन्हें खुद ढूंढ कर लाना है, कच्चा माल भी उन्हें ही बटोरना है। प्यारो, तो उनके ऊपर का बोझ था वो और बढ़ा दिया, और उसके कारण क्या हुआ था हमने देखा था। इजरायली लोग और अगवे मूसा के पास आते हैं और रोने लगते हैं, कुड़कुड़ाहट करने लगते हैं, तूने हमारा दुख बढ़ा दिया है, ये कहकर मूसा ऊपर एलिगेशन लगाते। प्यारो, मूसा ने सफलता की आशा रखी थी, बाजी पूरी उल्टी पड़ी। प्यारो, पूरा उल्टा हुआ, जो उसने सोचा था चाहा था उससे पूरा उल्टा हुआ। प्यारो, उसने निष्फलता को देखा, लोग अब उसके सामने उसके ऊपर एलिगेशन लगा रहे, कुड़कुड़ाहट कर रहे। प्यारो, मूसा प्रभु के पास जाकर बोलता है, प्रभु इससे अच्छा होता तो मुझे यहां ना लाता। प्रभु मूसा प्यारो जब निष्फलता को चखता है, हमने देखा था वो निराश हो जाता है, लेकिन प्रभु वही समय उससे बात करता है और एक शब्द बोला था प्रभु ने, हमने जो देखा था कि प्रभु ने उसे कहा कि मैं सर्वशक्तिमान प्रभु हूं, और दूसरी बात मैं वायदों का पक्का परमेश्वर हूं। मूसा को प्रभु ने प्रोत्साहित किया, भले तो निष्फल रहा, भले तुझे लग रहा है कि तेरे प्रयत्न निष्फल हुए और पूरी बाजी पलट गई है, राजा मानना तो दूर, अब लोगों के ऊपर बोझ और बढ़ा दिया है, लेकिन तू याद रख मैं सर्वशक्तिमान प्रभु हूं, और दूसरी बात मैं वचन का पक्का प्रभु हूं। और ये दो बातों के द्वारा प्रभु ने मूसा को प्रोत्साहित किया, मूसा फिर से अपने काम में लग गया। अब वो दृढ़ था, चाहे कुछ भी हो जाए, एक बार नहीं 10 बार जाऊंगा, 10 बार भले मुझे निष्फलता देखनी पड़े, मैं निराश नहीं होगा। एक बार, दो बार नहीं, कई बार वो राजा के पास गया। बार बार निष्फलता को चखने के बावजूद भी उसने प्रयत्न जारी रखे, और आखिर में वो समय आया जब राजा ने इसराइल लोगों को, परमेश्वर के लोगों को वहां से आजाद किया, वहां से जाने दिया। हालेलुया। वही मूसा जो एक समय निष्फलता को देख निराश हो गया था, प्रभु के वचन पर उसने विश्वास किया, वो बात पर जो प्रभु ने उसे कही उस पर उसने विश्वास किया कि प्रभु सर्वशक्तिमान है और वो वचन के पक्के है, और फिर वो निराश नहीं हुआ, बार बार प्रयत्न करता रहा और आखिर में वो सफल हुआ। प्यारो, हमने यहां तक प्यारो लास्ट टाइम कुछ संडे पहले सीखा था, आज इस विषय में हम कुछ आगे सीखेंगे और इस विषय को हम पूरा करना चाहते हैं। प्यारो, दूसरी बात प्यारो जो आज हम सीखना चाहते हैं, निष्फलता के समय में हमें याद रखना है प्यारो कि किसी भी निष्फल व्यक्ति को प्रभु त्याग नहीं देता। निष्फलता से जब हम होकर गुजरते हैं, मोस्टली ये ख्याल हमारे मन में आता है कि प्रभु क्या मेरे पास नहीं है, क्या प्रभु ने मुझे छोड़ दिया है, मैं क्यों निष्फल जा रहा हूं, प्रभु क्यों मेरी सुन नहीं रहा, प्रभु ने मेरी दुआओं को सुनना बंद कर दिया है, प्रभु ने मुझे छोड़ दिया है, प्रभु ने मुझे त्याग दिया है। ये निष्फलताओं के समय से जब मैं होकर गुजर रहा हूं, प्रभु मेरे साथ नहीं है, ऐसे ख्याल हमारे मन में आ सकते हैं। प्यारो, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं, बाइबल में कई ऐसी व्यक्ति के विषय में लिखा है जो निष्फल रहे, चाहे वो विश्वास करने की बात हो, या तो प्रभु ने जो उसे कहा वो पूरा करने की बात हो, या तो जीवन के संघर्ष में दृढ़ता से खड़े रहने की बात हो, वो कहीं ना कहीं निष्फल रहे, लेकिन निष्फलता के बाद प्रभु ने उनको छोड़ नहीं दिया, प्रभु ने उनको त्याग नहीं दिया, प्रभु उनके साथ थे। हालेलुया। हाथ उठाकर कहे, मेरी निष्फलताओं में और मेरी निष्फलताओं के बावजूद भी यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे पास है। हालेलुया। हम थॉमस के विषय में, थॉमा के विषय में पढ़ना चाहते, आई एम बाइबल से प्यारो निकाले यूहन्ना, और
उसका 21वां अध्याय प्लीज आप निकालिएगा। सॉरी, पहले हम 20वां अध्याय पढ़ लेते, बाद में हम 21वें अध्याय में आएंगे। यूहन्ना 20वां अध्याय और 27 आयत, आइए हम मिलकर पढ़े। थोमा के विषय में क्या लिखा है? ये थोमा वही थोमा है जो प्रभु पर विश्वास करने में निष्फल जा रहा था। उसे ये संभव नहीं लगता था कि एक मरी हुई व्यक्ति जिसको उसकी आंखों के सामने क्रूस पर जड़ा दिया है, लटका दिया है, वो जिंदा हो सकती है। इसके बावजूद भी प्रभु ने उसके बोला था, उसके बावजूद भी वो विश्वास करने में निष्फल रहा। ये विश्वास करने में निष्फल रही व्यक्ति के विषय में यहां पर लिखा है। आइए हम वचन को पढ़े। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहां लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो जा। थोमा जो विश्वास करने में निष्फल रहा, प्रभु ने उसे छोड़ नहीं दिया, ये तो निष्फल व्यक्ति है, छोड़ दो, वो विश्वास करने में कमजोर मालूम हुआ है, इसे छोड़ देता हूं। नहीं प्यारो, निष्फलता, थोमा निष्फल जाने के बावजूद भी यीशु ने उसे नहीं छोड़ा। वो सामने से जाकर थोमा को मिलते हैं प्यारो, वो सामने से जाकर उसे प्रूफ देते हैं कि देख तू विश्वास कर, अब विश्वास कर, मैं तुझे निष्फलता से सफलता की ओर ले जाना चाहता हूं। हालेलुया। और यही थोमा प्यारो जो विश्वास करने में निष्फल रहा था, क्योंकि निष्फलता के समय में प्रभु यीशु ने उसे त्याग नहीं दिया, उसके पास गए, वही थोमा परमेश्वर का दास बना और भारत देश में आकर प्रभु का नाम देने वाला वो एक प्रभु यीशु का चेला बना। हालेलुया प्यारो, निष्फलता के समय में यीशु आपको त्याग नहीं देते। आप दूसरों की निष्फलता को देख, हो सकता है इरिटेट हो जाओ, गुस्सा हो जाओ कि ये कैसी व्यक्ति है, और हो सकता है बार बार उससे जो आशा रखी है जब वो पूरी ना हो आप उसको नेग्लेक्ट करो, आप उससे दूर हो जाओ, आप उसे बाईपास कर दो। लेकिन यीशु हमारे जैसे मनुष्य नहीं है प्यारो, वो व्यक्ति को नहीं त्यागते जो निष्फलता से होकर गुजरता है, जो एक बार निष्फल जाता है प्रभु से बाजू पर नहीं रख देते प्यारो, प्रभु उस पर काम करते हैं और वो ही निष्फल व्यक्ति को प्रभु सफलता की ओर ले जाते हैं। हालेलुया। चाहे आप विश्वास में कमजोर हुए हो, विश्वास करने में निष्फल जा रहे हो प्यारो, या तो जीवन में किसी भी क्षेत्र में आप निष्फलताओं से होकर गुजर रहे हो, हम आपको कहना चाहते हैं यीशु अभी भी इस निष्फलता के समय में आपके साथ है। हालेलुया। आए एक और आयत हम पढ़े, यूहन्ना 21वां अध्याय और 15वीं आयत हम पढ़े। पत्रस के विषय में प्यारो यहां पर लिखा है, पत्रस भी विश्वास करने में निष्फल रहा, विश्वास यीशु मसीह पर जताने में निष्फल रहा। जाहिर में उसने प्रभु यीशु का नकार कर दिया। वही पत्रस जो जोर जोर से चिल्लाता था, प्रभु यीशु तेरे लिए मैं कुछ भी करूंगा, सब छोड़ दे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, वही पत्रस ने यीशु मसीह का नकार किया। लेकिन प्रभु यीशु ने क्या किया? जो पत्रस विश्वास योग्य बने रहने में निष्फल रहा था, उसके विषय में यहां पर लिखा है। आइए हम मिलकर इस आयत को पढ़े, 21वां अध्याय और 15वीं आयत। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पत्रस से कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा, मेरे मेमनों की, मेरे भेड़ों की तू रखवाली कर। प्रभु यीशु ये किससे कह रहे हैं? वो ही पत्रस को जिसने उनका नकार किया था, लोगों के बीच प्रभु यीशु को स्वीकार करने में जो निष्फल रहा था। और ऐसी ही निष्फल व्यक्ति को प्रभु यीशु ने त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। इतनी भरी सभा में जिसने यीशु का स्वीकार न किया, नकार दिया,
उसे ऐसे निष्फल व्यक्ति को यीशु को त्याग देना चाहिए, लेकिन यीशु ने छोड़ नहीं देते, त्याग नहीं देते, लेकिन जिम्मेदारी देते, तुम मेरे मेमनों को, मेरी भेड़ों को संभालना। हालेलुया। प्यारो प्रभु यीशु आपके निष्फल जाने के बावजूद भी आपके साथ है प्यारो, उन्होंने आपको त्यागा नहीं है प्यारो, आपको छोड़ा नहीं है। चाहे आप विश्वास करने में निष्फल हो, चाहे आप प्रार्थना करने में, चाहे आप बाइबल पढ़ने में, चाहे आप आत्मिक जीवन में, या तो कहीं पर भी जीवन में कोई भी क्षेत्र में निष्फलताओं से होकर गुजर रहे हो प्यारो, दुनिया निष्फल लोगों से दूर हो जाती है, सफल लोगों के साथ खड़ा रहना पसंद करती है, लेकिन यीशु निष्फल लोगों के साथ उनकी निष्फलता के समय में खड़ा रहता है, और वो ही निष्फल लोगों को वो सफलता की ओर ले जाता है। हालेलुया। प्यारो ऐसे कई एग्जाम्पल है, हम सब नहीं पढ़ सकते प्यारो। एलिया के विषय में आप देखो, वो भी निष्फल हो गया, प्रभु को कहता है प्रभु अब तो मौत आ जाए तो अच्छा रहेगा, प्रभु मुझे जीना नहीं है, वो निष्फल हो गया, लेकिन प्रभु उसके साथ रहे प्यारो, प्रभु ने उसे छोड़ दिया, चल साइड पर हट, अब तू मेरे पर इतना विश्वास नहीं करता है, तेरे कहने से तो मैं बारिश बंद कर देता था, तेरे कहने से मैं बारिश को बरसाता था, और तू मुझ पर इतना विश्वास नहीं करता, एक रानी को देखकर तू डर गया, भाग रहा है, और मुझे कहता अब जीना नहीं है, चल तू साइड में हो जा। प्रभु यीशु ने, परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया प्यारो, वो ही एलिया जो निष्फल हो गया, उसमें इतनी भी शक्ति नहीं थी कि वो विश्वास करे कि प्रभु उसके साथ है और प्रभु से संभालेगा, वही निष्फल एलिया के साथ प्रभु रहे, और वही एलिया को प्रभु ने उठाया और बढ़ाया, और परमेश्वर ने उसको अपनी महिमा के लिए आगे भी इस्तेमाल किया। हालेलुया। इब्राहिम निष्फल रहा था प्यारो, जब परिस्थिति ने उस पर दबाव डाला, जब उसकी वाइफ ने उस पर दबाव डाला, तब वो दबाव में आकर सरेंडर हो गया। उसे ये विश्वास करना चाहिए था कि प्रभु ने मुझे बताया, मुझे वो बच्चे की आशीष देगा, लेकिन उसकी वाइफ के दबाव में आकर, परिस्थिति के दबाव में आकर, अपनी उम्र की ओर देखते हुए वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने में निष्फल रहा। उसने अपनी वाइफ का माना और उसकी दासी के पास गया, वो विश्वास करने में निष्फल रहा, लेकिन परमेश्वर ने उसको त्याग नहीं दिया प्यारो। ऐसे कितने सारे उदाहरण वचन से मैं आपको बता सकता हूं प्यारो। परमेश्वर वो परमेश्वर है जो किसी को भी निष्फलता के समय में त्याग नहीं देते, छोड़ नहीं देते, अकेला नहीं छोड़ देते प्यारो, वो उसके साथ खड़े रहते हैं, और वही व्यक्ति जो निष्फल है उसको सफलता की ओर ले जाते हैं, वो ही बिगड़े जीवनों को बनाते हैं प्यारो, सुंदर बनाते हैं, सुधार लाते हैं, ताकि वो सफलताओं को चख सके। हालेलुया। प्यारो आज आप अपने जीवन में कहीं पर भी निष्फल जा रहे हो, हम आपको कहना चाहते हैं बाइबल का परमेश्वर आपकी निष्फलता में आपके साथ है, उन्होंने आपको छोड़ा नहीं है, त्यागा नहीं है। ये दूसरी बात हम आज आपको बताना चाहते हैं। पहली बार मूसा के जीवन से काफी बातों को हमने आपको सिखाया था, आज के इस दिन पर हम आपको बोलना चाहते हैं निष्फलता के समय में परमेश्वर आपके साथ है। प्यारो हमें भी यही बात को सीखना है, जो प्रभु हमारे साथ करता है वो हमें दूसरों के लिए करना है। प्यारो हमें भी निष्फलता से होकर जो गुजर रहे हैं उनके साथ खड़ा रहना सीखना है। हमें हमेशा यही अच्छा लगेगा कि हम उन लोगों के साथ खड़े रहे जो सफल है, और उनसे दूर भागे जो निष्फल जा रहे हैं अपने जीवन में, चाहे वो उनका बिजनेस हो, चाहे कैरियर हो, चाहे ब्याह हो, चाहे मैरिज लाइफ हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। लेकिन प्यारो जैसे परमेश्वर उन निष्फल लोगों के विषय में करता आया है जिसके विषय में आज हमने सीखा, वैसे ही हमें भी ये सीखना है कि हम वो व्यक्ति बने जो निष्फल लोगों को नकार नहीं देते, लेकिन उनके साथ खड़े रहते हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं, और उनको सफलता की ओर बढ़ने के लिए सहायता करते, एक मौका देते हैं। हालेलुया। हाथ उठाकर कहे,
परमेश्वर मुझे वो व्यक्ति बना जो निष्फल लोगों को देख दूर न भागे, उनको नकार न दे, लेकिन उनके साथ खड़ा रहे, उनका सपोर्ट बने। आमेन। प्यारों ये कीजिए, हम वचन से सीखेंगे। आइए प्रेरितों के काम उसका 15वां अध्याय निकाले, प्रेरितों के काम और उसका 15वां अध्याय और 38 आज से आपकी स्क्रीन पर आपको वचन दिखाई देगा, आप इसे प्लीज पढ़िएगा। परंतु पौलुस ने उससे जो पंफूलिया में उनसे अलग हो गया था और काम पर उनके साथ न गया, साथ ले जाना अच्छा न समझा। पौलुस ने यहां पर मार्क करके एक व्यक्ति था, प्रभु का चेला था, उससे नकार दिया। क्यों? क्योंकि एक समय वो निष्फल रहा। स्क्रीन पर ही हम ये वचन को रहने देंगे। क्यों पौलुस ने मार्क को नकार दिया, भाई मैं इसके साथ नहीं जाऊंगा? क्योंकि मार्क निष्फल रहा था। एक समय था जब बीच रास्ते में मार्क ने पौलुस को, सिलास को त्याग दिया, छोड़ दिया, और इसीलिए पौलुस क्या करता है ये समय में, और काम पर उनके साथ न गया, साथ ले जाना अच्छा न समझा। अतः ऐसा विवाद उठा कि वे एक दूसरे से अलग हो गए, बरनाबास मार्क को लेकर, या स्पेलिंग मिस्टेक है, बरनाबास मार्क को लेकर जहाज पर साइप्रस चला गया, परंतु पौलुस ने सिलास को चुन लिया और भाइयों से परमेश्वर के अनुग्रह में सौंपा जाकर वहां से चला गया। प्यारो एक व्यक्ति है यहां पर, ओके हम आगे बढ़ना चाहते सीखकर, यहां पर एक व्यक्ति है जिसको पौलुस ने अपने साथ न लिया। कौन सी वो व्यक्ति है? यहां पर लिखा है मरकुस। क्यों न लिया? क्योंकि एक समय था जब वो पौलुस को बीच रास्ते में छोड़कर चला गया था, वो निष्फल रहा था, वो सेवा को बीच रास्ते में, आधे रास्ते में छोड़कर चला गया था, और ऐसी निष्फल व्यक्ति को पौलुस अपने साथ नहीं ले जाना चाहता। लेकिन वहां एक व्यक्ति है बरनाबास, वो क्या करता है, वो ही निष्फल व्यक्ति को, मरकुस को अपने साथ लेकर सेवा में आगे जाता है। वो पसंद करता है, भले पौलुस ने इस मार्क को, मरकुस को छोड़ दिया उसके निष्फलता के कारण, लेकिन मैं मरकुस के साथ खड़ा रहूंगा, मैं वो निष्फलता के बावजूद मरकुस को सपोर्ट करूंगा, ताकि वो आगे जाकर ऐसी निष्फलताओं को न देखे लेकिन सफलताओं को देखे। और उसका परिणाम क्या हुआ प्यारों? पौलुस ने तो मरकुस को त्याग दिया था, लेकिन अद्भुत परिणाम ये आया। आइए हम मिलकर पढ़े दूसरा तीमोथी 4 अध्याय और 11वीं आयत। दूसरा तीमोथी 4 अध्याय और 11वीं आयत हम पढ़ना चाहते। पौलुस खुद तीमोथी को यह कहता है, केवल लुका मेरे साथ है, मरकुस को लेकर चला आ, क्योंकि सेवा के लिए वह मेरे बहुत काम का है। हालेलुया। पौलुस क्या कहता है? मरकुस को लेकर आना। क्यों? क्योंकि वो मेरे लिए सेवा में बहुत उपयोगी पात्र है। कौन सा मरकुस? वही मरकुस जिसको पौलुस एक समय साथ लेने को तैयार नहीं था, उसकी निष्फलता के कारण बीच रास्ते में वो उनके साथ नहीं चला, छोड़ दिया उनको, निष्फल रहा था विश्वास योग्य बने रहने में। और वही मरकुस को जिसने पौलुस ने त्याग दिया था, वो मरकुस के विषय में क्या कहता है? फिर से हम आयत पढ़े, क्या लिखा है यहां पर? क्योंकि सेवा के लिए वह मेरे बहुत काम का है। हालेलुया। वही मरकुस जो निष्फल रहा था, लेकिन बरनाबास ने उसका साथ दिया, उसके साथ खड़ा रहा, उसको मोल्ड किया, उसको सिखाया होगा, उसको सुधारा होगा, उसको प्रोत्साहित किया होगा, और वो ही मरकुस आगे जाके पौलुस के लिए बड़ा उपयोगी पात्र बना। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति बरनाबास वहां था,
जिसने मरकुस को उसकी निष्फलता के कारण त्याग नहीं दिया, लेकिन उसके साथ खड़ा रहा। हालेलुया। प्यारो, आज ये दूसरी बात हम सीखना चाहते हैं, जैसे परमेश्वर निष्फलता के समय हमें नहीं त्यागता, हमें भी दूसरे जिसको हम देखते हैं वो निष्फल हो रहे किसी बात को लेकर, हमें भी उनके साथ खड़ा रहना है प्यारो, उनको छोड़ नहीं देना है प्यारो, उनके साथ खड़ा रहना है, बरनबास जैसे मरकुस के साथ खड़ा रहा, उनको प्रोत्साहित करना है, उनको उनको सिखाना है प्यारो, ताकि एक समय आए वो निष्फलताओं से सफलता की ओर जा सके। हालेलुया। प्यारो, आप सोचिए कि आप कैसे व्यक्ति हो, आपको सिर्फ सफल व्यक्तियों के साथ खड़ा रहना अच्छा लगता है, जो निष्फल जा रहा है किसी प्रकार से आप उनको बाईपास करते हो, आपको उनसे बात करना अच्छा नहीं लगता। आज से कहिए प्रभु से, प्रभु तू मुझे ऐसा अनुग्रह दे, मुझे ऐसी व्यक्ति बना जैसे परमेश्वर आपके दास ने किया, बरनबास ने, वैसे ही मैं बनूं, किसी को जो निष्फल जा रहा है उसके साथ खड़ा रहकर उसको प्रोत्साहित करने वाला, उसको उठाने वाला, उसको तोड़ने वाला नहीं, बनाने वाला बनूं, ताकि वो अपने जीवन में सफलताओं को चखे। प्यारो, हो सकता है आज जो निष्फल जा रहा है आपके उसके साथ खड़े रहने के कारण, आपके उसको प्रोत्साहन देने के कारण, कल जाकर जैसे मरकुस पौलुस के लिए बड़ा उपयोगी पात्र बना, वही आज निष्फल जा रही व्यक्ति कल जाकर प्रभु के लिए बड़ा उपयोगी पात्र बन सकता है और बड़ी सफलताओं को देख सकता है। हालेलुया। दुख की बात यह है, प्रभु हमारी निष्फलताओं के बावजूद हमारे साथ रहता है, हमें त्यागता नहीं, लेकिन हम दूसरे की निष्फलताओं को देख उनसे दूर हट जाते हैं। प्यारो, आइए बरनबास के समान बने, दूसरों की निष्फलताओं में उसके साथ खड़े रहे, ताकि मरकुस के समान जैसे वो पौलुस के लिए बड़ा उपयोगी पात्र बना, सफलता को उसने देखी, ऐसे कई लोग हमारे सपोर्ट के द्वारा, उत्तेजन के द्वारा निष्फलता से सफलता की ओर जा सके। आमेन। आप ऊंची आवाज में कह सकते आमेन। तीसरी बात जो आज हम सीखना चाहते हैं प्यारो, निष्फलता एक तक एक मौका है कि हम अपने आप के विषय में सोचे, अपने आप को जांचे, अपने विषय में सोचे कहीं पर मैं गलत तो नहीं हूं ना, कहीं पर मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई ना, क्यों मैं निष्फल जा रहा हूं। निष्फलता हमारे लिए एक मौका है प्यारो, एक अवसर, एक तक है कि हम हमारे अपने आप को हम जांचे, हमारे विषय में सोचे कि कहीं पर हम गलत ना हो। यहोशुआ उसका सातवां अध्याय, प्लीज आप अपने बाइबल से निकालेगा, यहोशुआ उसका सातवां अध्याय। यहां पर आकान के विषय में लिखा है, परमेश्वर ने स्ट्रिक्टली उन्हें मना की थी कि जब आप युद्ध में विजयी होते हो उसमें से जो अशुद्ध चीजें है वो आपको लेकर नहीं आनी है, लेकिन यहां आकान ने पाप किया और उसके कारण क्या हुआ, आइए इस आयत को हम पढ़े, यहोशू 7। परंतु इसराइलियों ने अर्पण की वस्तु के विषय में विश्वासघात किया, अर्थात यहूदा गोत्र का आकान जो जेरहवंशी जब्दी का पोता और कम्मी का पुत्र था, उसने अर्पण की वस्तुओं में से कुछ ले आया, इस कारण यहोवा का कोप इज़राइल पर भड़क उठा। यहोशू ने यरीहो से ए नामक नगर के पास जो बैतावेन से लगा हुआ है, बैतेल के पूर्व की ओर है, कुछ पुरुषों को यह कहकर भेजा, जाकर देश का भेद ले आओ। सब हम नहीं पढ़ते, लेकिन यहां पर आकान ने पाप किया और उसके बाद क्या होता है, यहोशू ने कुछ लोगों को भेजा, ए करके एक जगह थी, वहां पर वे जाए, वहां पर जाकर देखे कि वो नगर कैसा है, उसके ऊपर वो विजय पा सकेंगे या नहीं। कुछ लोग वहां जाते हैं और देखकर वो आते हैं और कहते हैं ये तो बहुत ही छोटा नगर है और बहुत कम लोगों से भी हम उसके ऊपर विजय पा सकेंगे। पूरा आप घर पर पढ़िएगा,
मेरे पास इतना समय नहीं है, लेकिन मैं शॉर्ट में आपको पूरी बात बता देता हूं। जब वो लोग आए और यहोशु को बताया कि छोटा नगर है, आसानी से हम विजय पा लेंगे, बहुत कम लोग हैं, यहोशु ने कुछ लोगों को वहां पर भेजा। और जब वे लोग वहां पर गए युद्ध करने के लिए, चौथी आयत में लिखा है, इसलिए कोई 3,000 पुरुष वहां गए, परंतु एक रहने वालों के सामने से भाग आए। इतने बड़े बड़े विजय को देखा था इन्होंने, लेकिन ये छोटे नगर के सामने वो निष्फल गए। निष्फलता को उनको चखना पड़ा और 36 पुरुष मार डाले गए। और उसका परिणाम ये आया, आखिरी आखिरी जो लाइन है आप पढ़िएगा, वहां पर लिखा है, तब लोगों का मन पिघल कर जल सा बन गया। आखिरी लाइन आप पढ़ रहे हो, वहां पर लिखा है लोगों का मन कच्चा हो गया, पिघल कर जल सा बन जाना, मतलब वो एकदम निराश हो गए। ये निष्फलता को देखकर वो एकदम पिघल गए, उनमें ताकत नहीं रही। क्यों ऐसा हुआ? ये तो एकदम छोटा नगर है, हमें विजय पाना चाहिए, लेकिन ये तो उल्टा हो गया, हम निष्फल हुए। युद्ध में हमें हार देखनी पड़ी, और जब हार देखी, यहोशू अपने कपड़े फाड़ता है और परमेश्वर के आगे जाता है। और सातवीं आयत में लिखा है वहां पर, यहोशू 7:7 में वो कहता है, हाय प्रभु यहोवा, तू अपनी इस प्रजा को यर्दन पार क्यों ले आया? इससे अच्छा होता प्रभु तू हमें यहां तक लाता ही नहीं। वो प्रभु के आगे बहुत कुछ बोलता है, लेकिन प्रभु जो जवाब देता है वो मैं आपके लिए पढ़ूंगा। सीधी 10वीं आयत, यहोवा ने यहोशू से कहा, उठ खड़ा हो जा, तू क्यों इस भांति मुंह के बल पृथ्वी पर पड़ा है? तू खड़ा हो जा, क्यों रो रहा है, क्यों इस प्रकार से मुंह पर भूमि पर मुंह रखकर नीचा मुंह डालकर क्यों रो रहा है, क्यों निराश है, तू उठ। आगे प्रभु कहता है, कारण निष्फलता का यह है, 7:11, इसराइलियों ने पाप किया है, और जो वाचा मैंने उनसे अपने साथ बंधाई थी उसको उन्होंने तोड़ा है। और उसके बाद यहोशू एक के बाद एक लोगों को प्रभु के पास लाता है, और आखिर में आकान पकड़ा जाता है, और वो पाप को लेकर यहोशू और इजरायली लोग पश्चाताप करते हैं, आकान को उसकी शिक्षा मिलती है, और आखिर में वो ही निष्फलता सफलता में बदल जाती है। लेकिन ये निष्फलता एक मौका थी कि यहोशू प्रभु के आगे बैठकर ये फाइंड आउट करे, ये ढूंढे कि हम निष्फल क्यों रहे। जब वो प्रभु के चरणों में बैठा, रो रहा था, निराश था, प्रभु ने उसे बताया, निष्फलता का कारण पाप है, आपने जो मैंने कहा था वो नहीं माना, इसलिए इस छोटे से नगर के आगे भी आप निष्फल रहे हो। प्यारो, निष्फलता हमारे लिए एक मौका है। प्यारो, अपने विषय में सोचे और ये हैबिट बना दे, आदत बना दे। हम भी सोचते हैं प्यारो, अपने विषय में जब भी कोई निष्फलताओं से होकर आप गुजरते हो, आप सोचे, कहीं पर मैं गलत तो नहीं हूं, कहीं पर मुझसे कुछ गलत तो नहीं हो रहा। यहोशू और उसके लोग निष्फल रहे क्योंकि वहां एक पाप था, और वो पाप के कारण उनको युद्ध में निष्फलता देखनी पड़ी। छोटे से युद्ध में भी उन्होंने हार देखी। यर्दन नदी को वो पार करके आए, यरीहो के ऊपर विजय पाया, लेकिन ये छोटे से नगर के सामने निष्फलता देखनी पड़ी क्योंकि उनके उनके अंदर एक पाप था, एक गलती थी। और जब वो प्रभु के चरणों में बैठा, प्रभु ने उससे बताया, जब भी निष्फलता आती है प्यारो, प्रभु के चरणों में जाना मत भूलिएगा। प्रभु के चरणों में जाए, ये मत सोचे, भाई मैं तो एकदम अच्छा ही हूं, एकदम सच्चा ही हूं, मुझसे कोई गलती नहीं हो पाती। यहोशू खुद प्रभु के चरणों में जाता है प्यारो, इतना बड़ा अगुवा होने के बावजूद। जब आप प्रभु के चरणों में जाओगे, तब प्रभु आपको बताएगा कहां क्या गलत है। प्रभु आपकी आंखों को खोलेगा ताकि आप निष्फलता से सफलता की ओर जा पाओ। जब प्रभु ने यहोशू को बताया, वो गलती को सुधारा गया, और उसके बाद प्रभु ने उनको विजय दिलाया प्यारो।
जब भी निष्फलता है प्यारो, एक मौका होगी कि हम अपने विषय में सोचे, हमारे परिवार के विषय में सोचे, क्या कहां कहीं पर मैंने कुछ गलत तो नहीं किया है ना। आप अपने बिजनेस में निष्फल जा रहे हो, सोचिए कहीं पर मैंने कुछ गलत तो नहीं किया है ना। आप अपनी नौकरी को लेकर निष्फल जा रहे हो, अभ्यास में, पारिवारिक जीवन में, कहिए प्रभु से, प्रभु मैं दूसरों की ओर उंगली दिखा रहा हूं लेकिन कहीं पर मैं गलत नहीं हूं ना, कहीं पर मेरा कसूर हो, कहीं पर मेरी गलती हो, प्रभु तू मुझे बता। यहोशू के समान परमेश्वर के चरणों में बैठिए प्यारो। जब प्रभु के चरणों में बैठोगे, प्रभु आपको बताएगा यहां पर ये गलती है, इसे सुधारो। प्यारो जब भी निष्फलता आए प्रभु के चरणों में जाना, प्रभु से मांगना, प्रभु तू मेरी आंखों को खोल। और जब वो गलतियों को आप सुधारोगे, वो निष्फलता को सफलता में बदलती हुई आप जरूर देखोगे। आमीन। प्यारो यहोशू ने गलती को सुधारा और बाद में उनको बड़ी सफलता मिली। आखिरी एक दो बातों को मैं सिखा कर ये वचन को पूरा करूंगा। प्यारो निष्फलता से ओवरकम करना, उससे बाहर आना बहुत जरूरी है। प्यारो कई बार ऐसा होता है जब बार बार हम निष्फल जाते हैं तब हम उसमें ही डूब जाते हैं, वो हम पर हावी हो जाती है, वो हम पर सवार हो जाती है, हम एकदम नेगेटिव बन जाते हैं, हम में आगे बढ़ने की कोई अब हमें आगे बढ़ने का कोई आनंद या तो आगे बढ़ने की कोई चाहत नहीं रहती। हम यही मान लेते हैं कि भाई यही एक मुकाम है, अब इससे आगे कुछ नहीं होगा। निष्फलता को ओवरकम करना, उससे बाहर आना, उसको भुलाकर आगे बढ़ना, वो बहुत ही जरूरी है प्यारो। जब यहोशू ने निष्फलता को देखा और हमने जैसे पढ़ा लोगों के मन पिघल कर जल से बन गए थे, मतलब वो एकदम निराश हो गए थे, टूट गए थे, क्योंकि उनके 36 पुरुष मारे गए थे और उसके बाद प्रभु ने उनको सारी बात बताई क्यों वो निष्फल गए। और आखिर में प्रभु एक बात उन्हें कहता है, ध्यान से सुने, यहोशू 8वां अध्याय और पहली आयत। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, मत डर और तेरा मन कच्चा न हो, कमर बांध कर सब योद्धाओं को साथ ले और फिर से ए पर चढ़ाई कर। सुन, मैंने एक राजा को, उसकी प्रजा और उसके नगर और उसके देश समेत तेरे वश में कर दिया है। हालेलुया। प्रभु बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहोशू को बताते हैं। प्रभु ने कहा, मत डर, तेरा मन कच्चा न हो, कमर बांध और आगे बढ़। हालेलुया। अपने आप को कहे, मुझे नहीं डरना है, मेरे मन को कच्चा नहीं होने देना है, मुझे कमर बांधना है, मतलब तैयार होना है और मुझे आगे बढ़ना है, विजय को पाने के लिए युद्ध करना है, फिर से प्रयत्न करने हैं, फिर से प्रयत्न चालू करने हैं प्यारो। हालेलुया। प्यारो यहां पर यहोशू ने अगर हार मानकर हथियार डालकर बैठ गए होते, मन कच्चा हो गया था, पिघल गए थे, मतलब निराश हो गए थे, अब उनमें ताकत नहीं थी आगे बढ़ने की, अब डर था उनके अंदर, इसीलिए प्रभु कहता है मत डर, अगर वहीं पर बैठ जाते तो विजय को, सफलता को नहीं देखते। क्या आप कहीं पर अटक गए हो प्यारो, बार बार निष्फलताओं के कारण अब आप आगे नहीं बढ़ना चाहते हो? आप मत डरिए प्यारो, प्रभु आपको कह रहा है मत डर, प्रभु आपको कह रहा है तेरा मन कच्चा न होने दे। क्यों आपका मन निराश हो चुका है, हार मान चुका है, कच्चा हो गया है, पिघल गया है? आपके मन को फिर से दृढ़ करिए, कमर बांध, मतलब रेडी हो जाइए और आगे जाकर युद्ध करिए, प्रयत्न फिर से शुरू करिए, जॉब के लिए, अभ्यास के लिए, पारिवारिक जीवन के लिए, शादी के लिए, हेल्थ के लिए, जहां कहीं भी आप निष्फलता को चक कर निराश होकर बैठ गए हो, फिर से आगे बढ़िए प्यारो, मन को कच्चा न होने दीजिए, दृढ़ होकर प्रयत्न फिर से शुरू करें प्यारो। जब आप प्रयत्न करोगे प्रभु विजय देगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारो। निराशा के समय, निष्फलता के समय अगर आप हार मानकर बैठ जाते हो, आगे नहीं बढ़ते हो, फिर से युद्ध करना, मतलब प्रयत्न करना, प्रयत्न नहीं करते हो,
तो कैसे फिर से सफलता देख पाओगे? प्रभु ने निष्फलता के बाद यहोशू को बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो, कमर बांध ले और युद्ध कर। और प्रभु आपको यही कहना चाहता है, बार बार की निराश, बार बार की निष्फलताओं से अगर आप थक चुके हो, आगे बढ़ना नहीं चाहते हो, अब एक और प्रयत्न करने की भी आप में ताकत नहीं रही, अब एक डर है कहीं फिर से निष्फल ना हो जाओ, प्रभु आपको कहते हैं मत डर, मन को कच्चा मत होने दे, कमर बांध मतलब रेडी हो जा, युद्ध कर मतलब आगे फिर से प्रयत्न शुरू कर। हालेलुया। प्यारो, दूसरी एक आयत हम पढ़ना चाहते हैं, पहला समूएल 10वां अध्याय, यही बात को हम कुछ सीख कर फिर आगे बढ़ेंगे। पहला समूएल उसका 10वां अध्याय, और वहां साउल के विषय में लिखा है, आई हम पढ़े पहला समूएल 10वां अध्याय 21वीं आयत में आपके लिए पढ़ता हूं। तब वह बिन्यामिन के गोत्र को कुल कुल करके समीप लाया, और चिट्ठी मत्री के कुल के नाम पर निकली, फिर चिट्ठी किसके पुत्र साउल के नाम पर निकली, और जब वह ढूंढा गया तब न मिला। ध्यान से सुनना, साउल के नाम की चिट्ठी निकलती है यहां पर। मैं आपको बता दूं, ये चिट्ठी राजा बनाने के लिए निकाली गई थी। प्रभु के दास ने समूएल ने चिट्ठी निकाली कि जो भी चिट्ठी आएगी उसे राजा बनाया जाएगा, और चिट्ठी किसके नाम की निकलती है? साउल के नाम की। तो अब राजा कौन बनेगा? साउल। साउल को राजा बनाने के लिए यहां चिट्ठी निकालकर चुन लिया गया है। और यहां पर क्या हुआ, 22वीं अध, तब उन्होंने और वह ढूंढ सॉरी और जब वह ढूंढा गया, 21वीं आयत का अंत भाग में पढ़ रहा हूं, और जब वह ढूंढा गया तब न मिला, 22वीं आयत, तब उन्होंने फिर यहोवा से पूछा, क्या यहां कोई और आने वाला है प्रभु जिसके नाम की चिट्ठी निकली है साउल के नाम की? वो तो यहां पर नहीं है, तो प्रभु और कोई है जिसको हम राजा बनाए? यहोवा ने कहा, सुनो, वह सामान के बीच में छिपा हुआ है, जिसके नाम की चिट्ठी निकाली गई है राजा बनने के लिए, वो कहां है? सुनो, वह सामान के बीच में छिपा हुआ है, जिसको राजा बनाने के लिए चिट्ठी निकाल कर चुना गया, वो व्यक्ति डर के मारे कहां पर था? सामान के बीच में छिपा हुआ था। क्यों छिपा हुआ था? आप घर पर आगे की कुछ आयत अध्याय पढ़ना, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। इसके पीछे का कारण यह था कि साउल के पापा की गधिया, वो समय में, वो जमाने में गधे को पालते थे ने, साउल के पापा की गधिया खो गई थी, और उसे ढूंढने के लिए साउल गया, और ढूंढने के बावजूद भी उसके हाथ में कुछ नहीं लगा, उसे वो गधियों को ढूंढने में निष्फल रहा, और खाली हाथ उसे अपने पिता के पास लौटना पड़ा। और ये निष्फलता को देखकर गधियों को भी वो नहीं ढूंढ पाया, उसके कारण उसे ये बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं जो गधिया ढूंढने में भी निष्फल रहा हूं, मैं कैसे राजा बन सकता हूं? समझे प्यारा? साउल क्यों छिप कर बैठ गया था? क्योंकि उसने निष्फलता को चखा था बस थोड़े ही समय पहले, अपने पापा की गधियों को भी वो ढूंढ नहीं पाया था, और इसलिए वो निष्फलता से अभी वो उभर नहीं पाया था, बाहर नहीं आ पाया था, और राजा बनने से वो डरता था, मैं गधियों को नहीं ढूंढ पाया, मैं राजा क्या बनूंगा? प्यारो, ये हमारे जीवन में भी हो सकता है प्यारो, निष्फलताओं को चखने के कारण हम इतने डर जाते हैं, या तो निराश हो जाते हैं, हम में आगे बढ़ने की ताकत नहीं रहती, हम ये भूल जाते हैं आगे प्रभु ने हमारे लिए बहुत कुछ रखा है।
आगे प्रभु ने हमारे लिए बहुत कुछ रखा है। गदियों को ढूंढने में साउल निष्फल रहा, पर प्रभु ने तो उसे राजा बनने के लिए पसंद किया था और वो डर का मारा छुप गया था। प्यारो, निष्फलता के बाद भी प्रभु के पास आपके लिए बहुत कुछ है, आपके जीवन में करने के लिए बहुत कुछ है। सफलताओं को प्रभु आपको दिखाकर, ऊंचाइयों पर उठाकर ये बातों को प्रूव करेगा कि उसके पास बहुत कुछ है आपके लिए करने के लिए। साउल को प्रभु राजा बनाना चाहता है, लेकिन गधियों को ढूंढने में वो निष्फल रहा और उसके कारण डर के मारे, वो निष्फलता से नहीं उभर पाने के कारण वो छिप रहा है। क्या प्यारो, ऐसा हमारे जीवन में तो नहीं हो रहा है? प्रभु ने हमारे लिए बहुत कुछ बड़ा आगे रखा है, बहुत कुछ अद्भुत आगे रखा है, लेकिन हम छोटी छोटी निष्फलताओं को चख कर इतने थक गए हैं कि हम छिप रहे हैं, आगे बढ़ना नहीं चाहते, हमें डर है। प्यारो, प्रभु ने आपके लिए आगे बहुत कुछ अच्छा रखा है, डरिए नहीं। यहोशू को जैसे प्रभु ने कहा, मत डर, मन को कच्चा न होने दे, कमर बांध, युद्ध कर, प्रयत्न फिर से शुरू कर और मैं तुझे विजय दिलाऊंगा। फिर से प्रयत्न करिए प्यारो। निष्फलता के बाद, गधियों को ढूंढने के बाद साउल निष्फल रहा, लेकिन प्रभु के पास उसके लिए उससे भी बड़ी योजना थी, बहुत बड़ी। प्रभु ने उसको राजा बनाया। भले कुछ निष्फलताओं को आपने चखा है, हार मानकर बैठ न जाए, मन को दृढ़ करे, मन को कच्चा न होने दे, डरिए नहीं, आगे बढ़िए। साउल के लिए जैसे प्रभु के पास अद्भुत योजना थी, आपके लिए भी प्रभु के पास अद्भुत योजना है प्यारो। हालेलुया। हमें निष्फलता से उभरना, बाहर आना सीखना है। कैसे बाहर आएंगे? प्रभु ने जो यहोशू से कहा वो हमें करना है। डरना नहीं है, मन को कच्चा नहीं, अब दृढ़ करना है, कमर बांधने मतलब तैयार होना है। किस चीज के लिए तैयार होना है? आगे बढ़ने के लिए। और प्रभु ने यहोशू से कहा, युद्ध कर, प्रयत्न फिर से करिए प्यारो, प्रयत्न रख छोड़ नहीं दीजिए, प्रयत्न करना बंद ना कर दीजिए प्यारो, प्रयत्न जारी रखिए, प्रभु आपको आगे सफलता दिलाएगा। तो ये जो महत्वपूर्ण बात थी प्यारो, हमें निष्फलताओं के समय में, निष्फलताओं के बाद अपने आप को संभालना है, आगे बढ़ना है। निष्फलताओं को देखकर प्यारो हमें बैठे नहीं रहना है, उसे ओवरकम करना है, उससे बाहर आना है, उससे उभरना है और आगे बढ़ना है। साउल गधी को नहीं ढूंढ पाया, उसमें इतना डर गया, वो निष्फलताओं को चखने के बाद इतना वो निराश हो गया कि वो छुप रहा है। क्या कुछ निष्फलताओं के कारण आज आप छुपे हुए हो, आगे नहीं बढ़ना चाहते हो? यहोशू को जो प्रभु ने कहा वो मेरे और आपके लिए। आखिरी छोटी दो बातें देखकर पूरा करेंगे। निष्फलताओं को पॉजिटिवली, सकारात्मक रीति से लीजिए। आइए पढ़े उत्पत्ति उसका 45 अध्याय और 5वीं आयत। उत्पत्ति अध्याय 45 और उसकी 5वीं आयत। जब यूसुफ बार 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 निष्फलताओं से होकर गुजरा, प्रभु ने उसको तो ऊंचा उठाने का वचन दिया था, लेकिन बहुत निष्फलताओं को यूसुफ ने चखा, फिर भी ये उसका रवैया था, ये उसका एटीट्यूड था, ये उसका निष्फलताओं के प्रति ये उसका उसकी नजर थी। क्या थी नजर उसकी? निष्फलताओं को देखने की। अब तुम लोग मत पछताओ और तुमने जो मुझे यहां बेच डाला इससे उदास मत हो। यूसुफ अपने भाइयों को कहता है, आपने मुझे बेच डाला इससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया है। हालेलुया। यूसुफ क्या कहता है? जो भी हुआ, जितनी भी निष्फलताओं को, दुखों को मैंने देखा, वो इसलिए हुआ ताकि आपके प्राणों को बचाया जाए। उसका रवैया देखो प्यारो, उसने जितनी भी निष्फलताओं को देखा, प्रभु तो उसको उठाने का वचन दे रहा था, लेकिन खड्डे में डाला गया, खड्डे में से थोड़े समय पोटीफार के वहां थोड़ा ऊंचा उठाया गया, वहां से जेल में डाला गया। जेल में भी जब उसने स्वप्नों का अर्थ किया, जिसके स्वप्न का अर्थ किया गया वो भी उससे भूल गया। बार बार निष्फलताओं को चखने के बावजूद भी यूसुफ
वो निष्फलताओं को पॉजिटिवली सकारात्मक रीति से लेता है। वो दोष नहीं लगाता अपने भाइयों के ऊपर कि आपने ऐसा कैसा किया। वो अपनी निष्फलताओं को नकारात्मक रीति से नहीं लेता। जो भी उसे झेलना पड़ा वो उसे पॉजिटिवली लेकर कहता है, ये सब इसलिए हुआ ताकि हमारी भलाई हो। ये इस काल के समय में आप भूखे न मरे। आपका रवैया कैसा है प्यारो निष्फलता के प्रति? आप जब जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाते हो और कोई ना बोल देता है, आपका रवैया क्या होता है? आप बिजनेस में निष्फल जाते हो, आपका रवैया क्या रहता है? आप उसे पॉजिटिवली लेते हो सकारात्मक रीति से? शादी के लिए प्रयत्न कर रहे हो, नहीं हो रही, आपका रवैया कैसा रहता है? अभ्यास में मेहनत की, सफल नहीं हुए, आपका रवैया उसके प्रति, आपका उस वो बात को लेकर आपका नजरिया कैसा रहता है प्यार? क्या आपका नजरिया रवैया पॉजिटिव है? नौकरी पर आपको ना बोला गया, आप पॉजिटिव रवैये के साथ, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उस बात को स्वीकार लेते हो, कोई बात नहीं, मैं प्रयत्न करूंगा, उससे भी अच्छी जॉब शायद प्रभु ने मेरे लिए रखी होगी, कहीं पर मेरी मेहनत कम रही होगी, मैं फिर से मेहनत करूंगा। अभ्यास में निष्फल रहे, आपकी वो निष्फलता के प्रति आपका रवैया क्या रहा प्यारो? आपने ये सोचा कि भले शायद हो सकता है मैं अभ्यास में मेहनत करने में निष्फल रहा होगा, मैं ज्यादा मेहनत करूंगा। प्यारो आपकी निष्फलताओं के प्रति आपका रवैया क्या है वो बहुत महत्वपूर्ण है। नकारात्मक रीति से न लीजिए निष्फलताओं को प्यारो। एक बहुत अच्छा सेंटेंस में पढ़ रहा था, निष्फलता सफलता की विरोधी नहीं है। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। निष्फलता सफलता का विरोधी नहीं है, सफलता का ही एक भाग है, एक स्टेप है सफलता की ओर बढ़ने का। अगर आप उसे पॉजिटिवली लेते हो, आप उसे सकारात्मक रीति से लेते हो। प्यारो यूसुफ ने जितनी भी निष्फलताओं को देखा उससे पॉजिटिवली लिया, नकारात्मक रवैये से नहीं लिया प्यारो, नकारात्मक नजरिया नहीं था। हम तो छोटी मोटी निष्फलताओं में भी एकदम नकारात्मक हो जाते हैं। प्रभु से पूछे, प्रभु क्यों मैं निष्फल रहा? प्रभु तो कहाँ है? तेरे वचन में पढ़कर गया था, क्यों मुझे नकार दिया गया? क्यों मैं निष्फल हुआ? क्या हमारा रवैया निष्फलताओं के प्रति नकारात्मक है प्यारो? आइए आज प्रभु से कहे, प्रभु निष्फलताओं के प्रति मेरा रवैया नकारात्मक न हो, मेरा रवैया पॉजिटिव हो प्रभु, सकारात्मक। और आखिरी एक बात मैं कहकर पूरा करूंगा, जब भी आप निष्फल जाते हो प्यारो, निष्फलता के बाद अपने आप में सुधार लाइए, वैसे के वैसे मत रहिए प्यारो। प्रभु से कहे कहां पर मुझे सुधार लाना है। हम समय बचाने के लिए पढ़ेंगे नहीं प्यारो, लेकिन जब उड़ाव पुत्र निष्फल रहा अपने जीवन में, उसने देखा कि पापा के पैसे खर्च कर दिए, सब कुछ मैंने उड़ा दिया है, अब मैं निष्फल हूं, मेरे पास खाने को भी कुछ नहीं बचा है। जब वो एकदम निष्फल रहा, वहां लिखा है वो सतेज हुआ, उसके दिमाग की बत्ती जल गई कि मैं यहां गलत था, और वो बात में उसने सुधार लाया, उसने पश्चाताप किया, वो सुधार लाकर फिर से पापा के पास जाता है, पर अपने पापा से, अपने डैडी से वो माफी मांगता है। जो भी गलती के कारण निष्फलता आई थी उसमें सुधार वो लाया प्यारो। आखिरी लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको अगर प्रभु बताता है कि ये गलती के कारण तेरे जीवन में ये निष्फलता है, उसमें सुधार लाना जरूरी है। वो ही गलती को लेकर आगे मत बढ़िए प्यारो। प्रभु आपको बताता है तेरे ये स्वभाव के कारण तेरे मैरिज लाइफ में तू निष्फल जा रहा है। अगर वो ही स्वभाव लेकर आगे बढ़ रहे हो, वो ही गलती दोहराते हो, आप चाहे कितनी भी सफलता देखना चाहो अपने मैरिज लाइफ में, आप निष्फल जाओगे। क्योंकि सफलता के लिए प्यारो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जिस विषय से निष्फल हो रहे हो, जिस वजह से निष्फल हो रहे हो, उसमें सुधार लाओ।
आप जब भी निष्फल होते हो प्रभु से कहिए, प्रभु मुझे वजह बता, और न सिर्फ वजह उसमें सुधार लाने का अनुग्रह दे, जैसे उड़ाव पुत्र ने किया। जो कारण से वो निष्फल हुआ था, बर्बाद हुआ था, वो वजह को उसने सुधारा, वो बात को उसने सुधारा। प्यारो प्रभु से कहिए, प्यारो जब आप निष्फल जाते हो, प्रभु मुझे कहाँ सुधार लाना है, मुझे कहाँ बदलाव लाना है, प्रभु मुझे क्या परिवर्तन लाना है, प्रभु तू मुझे बता, ताकि वो ही निष्फलता को बार बार चखना ना पड़े। अगर उड़ाव पुत्र ने वो सुधार नहीं लाया होता तो वैसे के वैसा ही चलता रहता, बस वहां बैठकर रोता रहे, ओ मुझसे गलती हो गई, ओ मुझसे गलती हो गई। सिर्फ गलती पर रोने से काम नहीं बनता प्यारो, गलती को सुधारना पड़ता है। उड़ाव पुत्र वहां बैठकर सिर्फ रोता नहीं रहा, ओ मुझसे गलती हो गई, उसने गलती को सुधारा। क्या निष्फलता देखने के बाद सुधार लाते हो प्यारो, या तो सिर्फ रोकर बैठे हो, प्रभु मुझसे गलती हो गई, वो पछतावा अच्छी बात है, लेकिन पछतावा पूरा वो कहलाता है, सुधार लाओ तब। प्यार उड़ाव पुत्र ने न सिर्फ रोया, सुधार लाया, उसकी गलती को उसने सुधारा, पापा से दूर गया था, पापा के पास आया। क्या आप निष्फलताओं के बाद प्यारो प्रभु से जाकर पूछते हो, प्रभु मैं क्यों निष्फल रहा, और जब प्रभु बताए तब वो बात में सुधार लाते हो? अपने आप को सुधारते रहिए प्यारो, अपने आप को करेक्ट करते रहे, कहीं पर भी जहां पर भी प्रभु आपको बताए, जब आप सुधार लाओगे वो ही निष्फलता बार बार आपको नहीं देखनी पड़ेगी। हालेलुया, आप अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाए। प्यारो आज जो हमने सीखा है, आए उस बातों को लेकर हम दुआ करें। मैं कुछ मिनट आपको देना चाहता हूं प्यारो, मैं कुछ सेकंड्स लेकर, मिनट लेकर पूरा रिविजन करूंगा। आप आंखें बंद रखकर मुझे सुनिए, और आपको लगता है कहीं पर भी मैं कमजोर मालूम पड़ा हूं, कहीं भी मेरी गलती है, कहीं पर मुझे सुधार लाना है, तो प्रभु से अनुग्रह मांगिए। आज जो प्यारो हमने सीखा, प्रभु निष्फल व्यक्तियों को त्याग नहीं देता, प्रभु निष्फल व्यक्तियों के साथ खड़ा रहता है और उन्हें सफल व्यक्ति बनाता है। थोमा निष्फल गया, पतरस निष्फल गया, एलाइजा निष्फल गया, अब्राहम निष्फल गया, लेकिन प्रभु उनके साथ रहा, उनको छोड़ नहीं दिया, चलो जाओ दूर आप निष्फल हो करके। प्रभु निष्फल व्यक्तियों के साथ खड़ा रहने वाला प्रभु है। हम आपको बताना चाहते हैं, प्रभु के दास होने के नाते आप अपनी निष्फलता की इस दौर में अकेले नहीं है, प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपको इस निष्फलताओं से बाहर लाएगा, प्रभु आपको सफलता की ओर ले जाएगा। दूसरी बात हमने सीखी, जैसे प्रभु हमारे साथ निष्फलता के समय में खड़े रहते हैं, हमें भी ऐसे लोगों को जो निष्फलता से होकर गुजरते हैं सपोर्ट करना है, प्रोत्साहन देना है, उनके साथ खड़ा रहना है, जैसे बारनाबास मरकुस के साथ खड़ा रहा, और वो ही मरकुस जो एक समय निष्फल रहा था विश्वास योग्य बने रहने में, वही मरकुस पौलुस का विश्वास योग्य साथी बना, सहायक बना। आए प्रभु से कहे, प्रभु मुझे अनुग्रह दे, जो लोग निष्फल जा रहे अपने जीवन में निष्फलताओं के दौर से होकर गुजर रहे, प्रभु मैं उनके साथ खड़ा रहूं, प्रभु उनको प्रोत्साहन दूं, उनके लिए दुआ करूं, उनको तोड़ने वाला नहीं, प्रभु उनको प्रोत्साहित करने वाला बनूं। प्यारो आज हमने सीखा कि निष्फलता एक मौका होता है, एक तक होती है अपने विषय में सोचने का कि कहीं पर हम गलत तो नहीं है ना। यहोशू के समय में आकान की गलती के कारण वो लोग निष्फल हुए थे। जब भी निष्फलता है प्रभु से कहे, प्रभु कहीं पर भी मैं गलत हूं मुझे बता। जब आकान की गलती पकड़ी गई, उसे सुधारा गया, प्यारो वही नगर जिसमें वो लोग निष्फल रहे थे उस पर विजय पाने में प्रभु ने उनको विजय दिया। आइए प्रभु से कहे, जब भी निष्फलता के दौर से होकर गुजरते हो, प्रभु से कहे, प्रभु तू मुझे बता, मेरी आंखों को खोल। और जैसे आखिरी पॉइंट में हमने सीखा कि न सिर्फ हम अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करें, हम उसे उसके विषय में प्रभु से पूछे, लेकिन उससे सुधारे, जैसे उड़ाव पुत्र ने सुधारा, वो सिर्फ रोकर बैठने गए, ओ मुझसे गलती हो गई, उसने सुधारा, उसे दूर किया, यहोशू ने वो गलती को सुधारा।
प्यारो प्रभु से कहे, प्रभु निष्फलता के समय में मैं अपने आप को जांचू, मेरे परिवार को जांचू, क्या मेरी कोई गलती तो नहीं है ना। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आज हमने सीखा प्यारो, निष्फलताओं से उभरना हमें सीखना है प्यारो, उसे ओवरकम करना, उस पर विजय पाना हमें सीखना है प्यारो। प्यारो क्या आप निष्फलता के समय में हार मानकर बैठ जाते हो? यहोशू को प्रभु ने बताया तू निष्फल रहा है, आपके मन पिघल गए, मतलब कच्चे हो गए, निर्बल हो गए, कमजोर हो गए, लेकिन प्रभु ने उनको बताया मत डरो, मन को कच्चे न होने दो, अपनी कमर को बांध लो और युद्ध करो, आगे बढ़ो, बैठे मत रहो। प्यारो निष्फलता के कारण क्या आप हार मानकर बैठ गए, अब आगे कुछ अच्छा नहीं होने वाला, बार बार मैं निष्फल रहा, साउल गधियों को ढूंढने में निष्फल रहा और उसके कारण वो छुप रहा था, लेकिन प्रभु के पास उसके लिए बड़ी योजना थी राजा बनाने की। प्यारो भले ही आज तक आप निष्फल रहे हो, आगे प्रभु के पास आपके लिए बड़ी योजना है, लेकिन वो कब पूरी होगी? जब आप उससे उभर कर खड़े होकर बाहर आकर आगे बढ़ो, प्रयत्न करो, तब प्यारो। अगर आप वहीं पर बैठे रहे निराश होकर तो काम नहीं बनेगा, आपको खड़ा होना है। प्रभु से कहे, प्रभु अनुग्रह दे कि मैं खड़ा हो जाऊं, वो निष्फलता को मैं यहां से मेरे जीवन से परमेश्वर निकाल कर फेंक दूं, प्रभु मैं खड़ा होकर आगे बढ़ूं, प्रभु उसके नीचे उसके प्रभाव तले मैं दबना नहीं चाहता, उसके प्रभाव से मैं बाहर आना चाहता हूं, उभरना चाहता हूं। आई एम दुआ में जाए प्यारो, प्रभु से अनुग्रह मांगे। प्रभु आज के वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं, आप वो परमेश्वर हो जो हमारी निष्फलता में हमारे साथ हो। प्रभु जितने भी लोग हमें सुन रहे प्रभु, उनमें से कई लोग अलग अलग प्रकार की निष्फलताओं को अपने जीवन में देख रहे होंगे, लेकिन आज हम दुआ करते यीशु मसीह के नाम में, ये बात उनको ढाढ़स दे, ये बात उनको हौसला दिलाए कि प्रभु आप उनके साथ हो, वो अकेले नहीं है उनकी निष्फलता में। निष्फल लोगों को आपने त्याग नहीं दिया प्रभु, हर एक निष्फल व्यक्ति के साथ आप खड़े रहे हो प्रभु, ताकि वो सफलताओं को देख पाए। आज जितने भी लोग हमें सुन रहे प्रभु, उनकी निष्फलताओं में उनको आपने त्याग नहीं दिया, आप उनके साथ हो, आप उनके पास हो, और आप एक समय आएगा उनको सफलताओं को दिखाओगे। प्रभु हमें भी अनुग्रह दीजिए कि हम भी बारनाबास के समान निष्फल लोगों के साथ खड़े रहे, उनके उनको प्रोत्साहन दे, उनके लिए दुआ करें, उनका हौसला बढ़ाए, उनको खड़े करने वाले बने, उनको गिरा देने वाले न बने। प्रभु प्रभु ये अनुग्रह हम पर होने दीजिए, जब निष्फलता है हम अपने आप के विषय में सोचे कहीं पर हम गलत ना हो आकान के समान। प्रभु हमें अनुग्रह दीजिए कि हमारी गलतियों को हम सुधारे उड़ाव पुत्र के समान, ताकि परमेश्वर हम निष्फलता से सफलता की ओर जा पाए। हमें अनुग्रह दीजिए प्रभु, हम हमारी निष्फलताओं से उभर पाए, निष्फलताओं के समय में वहीं पर बैठे रहने वाले नहीं, वहीं पर निराश होकर हथियार डाल देने वाले न बने, लेकिन जैसे यहोशू को कहा जब उनके मन कच्चे हो गए थे, पिघल गए थे, प्रभु आपने उससे कहा मत डर, तेरे बल को कच्चा न होने दे, कमर बांध ले और युद्ध कर, आगे बढ़। प्रभु हमें अनुग्रह दीजिए कि हम निष्फलताओं से उभरने वाले, उससे बाहर आने वाले बने। प्रभु निष्फलताओं को हम पर हावी न होने दे। प्रभु अगर हमें सुन रही कोई भी व्यक्ति ऐसी है जो बार बार निष्फल होने के कारण उनके मन पर, जीवन पर निष्फलता हावी हो चुकी है, निष्फलताओं के कारण शैतान ने उनको नकारात्मक बना दिया है, अब उनमें आगे बढ़ने की ताकत नहीं रही, हौसला नहीं रहा, वो कमजोर हो चुके हैं, आज यीशु मसीह के नाम में, हम यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में वो हर एक निराशा को आज्ञा करते हैं, इनके जीवनों को छोड़कर दूर हो जाए। वो निराशा लाने वाली दुष्ट आत्मा है, नकारात्मक बनाने वाली दुष्ट आत्मा है, इनको छोड़कर हमेशा के लिए चली जाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। वो अपनी अपनी निष्फलता को, निराशा को छोड़ दे, त्याग दे, उससे बाहर आए, उससे उभर जाए, यीशु मसीह के नाम है। साउल जैसा निष्फल रहा गदियों को ढूंढने में, लेकिन उसके लिए तो आपके पास परमेश्वर बड़ी योजना थी राजा बनाने की। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, भले ही हम कहीं ना कहीं निष्फल जा रहे हो, लेकिन आपके पास हमारे लिए बहुत अद्भुत योजना है, जिसके विषय में शायद हम कल्पना में भी न सोच सके।
प्रभु अनुग्रह दीजिए कि हम विश्वास रखें कि आप हमें निष्फलताओं से सफलताओं की ओर ले जाने वाले प्रभु हो। प्यारो, आप में से ऐसे लोग हो जो निष्फलताओं से लड़कर थके हैं, आप हाथ उठाकर प्रभु से बल मांगिए और इसी वक्त परमेश्वर की आत्मा आपको नया बल देगी, परमेश्वर की आत्मा आपको नया सामर्थ्य देगी। आप में डर घुस गया है, आप हाथ उठाए अनुग्रह मांगे। प्यारो, आप में निराशा डिप्रेशन है, निष्फलताओं को बार बार चखने के कारण हाथ उठाए प्रभु का अनुग्रह मांगे। आप में आगे बढ़ने की ताकत नहीं रही, हाथ उठाए प्रभु से अनुग्रह मांगे। प्यारो, आप प्यारो कमजोर हो चुके, आपने आपको कमजोर महसूस करते हो, हाथ उठाकर बल मांगे, कहे प्रभु आज तेरा अनुग्रह मुझ पर होने पाए, तेरी सामर्थ मुझ पर उतर आए। और इसी वक्त प्यारो पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके शरीरों में, जीवनों में, मनों में इस प्रकार बहे ताकि यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हर एक निराशा जो निष्फलता के कारण आई है वो चली जाए और वापिस आए। हर एक दुष्टात्माओं के बंधन जो निष्फलताओं में परमेश्वर के लोगों को बांधे रखे हुए है उस हम तोड़ डालते इस शिवनों के ऊपर से, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में ये लोग अब से आगे बढ़े। निराशा को हम छोड़कर, निराशा के समय से हम उभर कर आगे बढ़ना चाहते प्यारे पिता, यीशु मसीह के नाम से आपका बल इन लोगों के ऊपर उतरना है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु हम में से कोई अगर बीमार है, यीशु मसीह के नाम की सामर्थ हमारे शरीरों में बहे, बीमारी जो भी रोग हो, बीमारी हो, किसी के जीवन में नौकरी या तो बिजनेस को लेकर कोई भी समस्या है, बिजनेस और नौकरी ये आशीषों की हम इस जीवनों में घोषणा करते हैं। बिजनेस में बढ़ोतरी आए, नए बिजनेस के द्वार खुले, नौकरी में आशीष आए, इनकम पर आशीष आए यीशु मसीह के नाम में, कर्जा दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से, इनकी जो भी जरूरत है वो पूरी की जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु हम दुआ करते यीशु मसीह के नाम में, इनके पारिवारिक जीवनों को आप आशीषित करें, परिवारों में आपकी शांति की हम घोषणा करते हैं प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में, परिवार में आपकी शांति उतर आए प्रभु यीशु के नाम में। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जिन परिवारों में झगड़े हैं प्रभु यीशु के नाम से, वो परिवारों में प्रभु यीशु की शांति उतर आए, झगड़े बंद हो प्रभु यीशु के नाम में। पिता हम प्रार्थना करते हैं जो लोग आत्मिक रीति से कमजोर है, नया बल प्रभु प्रदान कीजिए, आत्मिक रीति से रिस्टोर कीजिए, पुनर्स्थापित करिए आपके साथ के संबंध में प्यारे पिता। जो पीछे हट चुके हैं, जो निराश है आत्मिक जीवन में पीछे हट रहे, यीशु मसीह के नाम से उनको रिस्टोर किया जाए, पुनर्स्थापित किया जाए प्रभु यीशु के नाम में। प्रभु हमारी हर एक दुआओं को आपके चरणों में लाते, आपने हमारी दुआओं को सुना, हम धन्यवाद करते। इस वचन को याद रखने का और उसके अनुसार जीने का अनुग्रह हमें प्रदान करना, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते प्यारे पिता, आमेन और आमेन। आकाश मन हमारा बाप, तमारो नाम पवित्र मनाओ, तमारो राज्य आओ, जैम आकाश माते पृथ्वी पर, तमारी इच्छा पूरी थाओ, दिवस की रोटली आज हम ना पो, जैम हम हमारा ऋणियों ने माफ करिया छे तेम तमे हमारा ऋणों ने माफ करो, हमने परीक्षण मा ना लाओ, ऊंडाई थी हमारो छुटको करो, क्योंकि राज्य पराक्रम महिमा सर्वकार सुधी तमारा छे बाप, आमेन। प्रभु यीशु की कृपा, परमेश्वर पिता का प्रेम, पाक आत्मा की संगति हम सभी के साथ, विशेषकर जो निष्फलताओं से होकर गुजर रहे उनके साथ आज से लेकर हमेशा तक, जब तक वे सफलता को न देखें, उनके साथ बनी रहे, सब मिलकर कहें आमेन आमेन।